हिवड़हार बन जाऊं थे के वो तो सांवरास हाँ पेरण लागे सांवरो रे हिवड़ा में रम जाऊं अरे हिवड़ा में रम जाऊं मोहन आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी माधव रे मंदिर में मेरा भाई वाला होना चाहिए वो तो आने के लिए तत्पर है। इसीलिए आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, दर्शन भी किया होगा किसी भी मंदिर में भगवान ने। मल मन सोहे मोहे जिनका मन निर्मल होता है वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और मीरा बाई का, कर्मा बाई का, धन्ना भगत का, कितने ही भगत ऐसे हैं, भक्त
भक्तमाल पूरा भरा हुआ है भक्तों से, और श्रीमद् भागवत कथा भी। अच्छा एक बात बताओ, बिना भक्तों के भगवान की कथा हो सकती है क्या? अगर भक्त कथा से निकाल दिए जाए तो भगवान की क्या महिमा? भक्त से ही भगवान की महिमा बड़ी है, और उन भक्तों की ही कथा सुनकर के हमको भी भक्ति के पथ पर अग्रसर होना है, इसीलिए ऐसी कथाएं होती है। और हम लोग तो कथा सुनते हैं, कथा सुन ली, चलो आज की कथा हो गई, प्रसाद लो, और जितना भी ज्ञान हमारे मान लो श्रवण से कानों से अंदर गया वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान कहीं बाहर भी लग जाता है महाराज की बातें तो हम तुरंत कपड़े झटक देते हैं, अरे ज्ञान तो यहीं रहना, तो पांडाल में ही ठीक रहेगा। हमारे घर उस ज्ञान को ले जाते हैं, हम लोग सभी ज्ञानी हैं पहले से। ज्ञान का कथा सुनने के बाद कब याद होगी, कब हम हमारे जीवन में उतारेंगे? जब कथा सुनने के बाद अपने घर पर जा करके पुनः कथा का मनन करो, मनन करके फिर रात्रि में सोने से पहले उसका चिंतन करो कि आज हमने ये कथा सुनी, इसमें ये चीज हमको अच्छी लगी, और कल सुबह उठते से ही हमारे जीवन में उसको हम अप्लाई करेंगे, उसको रोज हमारे दैनिक जीवन में अग्रसर करेंगे, तभी जाकर के कथा सुनी सार्थक होती है। नहीं तो देखो, कथा सुनते हैं ना तो हमारे मन की व्यथा दूर होती है, कथा व्यथा को दूर करती है, इसीलिए कथा सुनी जाती है। और मैं तो बस आपसे निवेदन ही कर सकता हूँ कि कथा को सुनो तो मनन करो, चिंतन करो, और अपने जीवन में भी उतारो, तो मन की हमारे जीवन की व्यथाएं दूर होगी, नहीं तो जैसा जीवन पहले था वैसा ही आगे रहेगा। कथा सुनना है तो उसका मनन भी करना है। भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य युवान होकर के हरिद्वार में उस गंगा के तीर पर आनंद नाम का तट था, उस स्थान पर पधारी भक्ति महारानी से। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, आज से हम तुमको आदेश देते हैं, जहाँ जहाँ पर भगवान की कथा हो वहाँ वहाँ तुम जाना, और प्रत्येक भक्त के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाना, और अकेले मत जाना, ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के जाना। तो ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को कल्याण करे। भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ यह कथा। और सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुनाते हैं कि हे ऋषिगण, तुम इस कथा को साधारण सोच रहे हो, लेकिन यह साधारण नहीं है। मैं तुमको एक उदाहरण और देता हूँ, बड़ा ही दिव्य उदाहरण है, और उस उदाहरण के माध्यम से तुमको पता चल जाएगा कि यह कितनी अलौकिक धर्म ग्रंथ है हमारे, यह कितनी अलौकिक और कितनी श्रेष्ठ कथा है। तुमको उदाहरण से बताता हूँ। 88,000 ऋषिगण विराजमान है। सूत जी महाराज कहते हैं, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्न दग्धे कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे ऋषिगण, जो मनुष्य, जो जीव पूरे जीवन भर पाप करता जाए, पापाचार दुराचार करे, और दुराचार करते 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 यदि वो मर गया हो, और मरने के बाद प्रेत योनि में पहुंच गया हो, उसके निमित्त भी यदि श्रीमद् भागवत कथा की जाए या करवाई जाए, तो उस जीव का भी, प्रेत योनि में पहुंचे हुए जीव का भी कल्याण कर देती है ये कथा। अब ऋषिगण जितने भी बैठे थे वो सब कहते हैं कि क्या सूत जी महाराज, आप तो बिना बात के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आपके पास कोई उदाहरण है? उदाहरण के बाद हमको समझाओ, कोई प्रमाण है आपके सामने, ऐसा कोई जीव हुआ है? तो सूत जी महाराज कहते हैं, देखो बिना प्रमाण के तो हम कोई बात करते ही नहीं है, हमारे पास प्रमाण है। अब तुम्हें उस प्रमाण की कथा सुनाता हूं। एक उत्तम नगर था, उत्तम नगर में एक दिव्य ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण धर्मनिष्ठ थे,
हमेशा धर्म पर चलने वाले यजमानों के यहाँ पर जाते, पूजा पाठ इत्यादि करते, उनके सारे कार्यों को सिद्ध करते, और सिद्ध करने के बाद जो भी दक्षिणा मिलती उसको लेकर के अपने गृहस्थी में गृहस्थी को आगे बढ़ा रहे थे। समय बीतता गया, आत्मदेव ब्राह्मण के मन में एक विचार आया। अच्छा, आत्मदेव ब्राह्मण के विवाह हो चुका था और पत्नी का नाम था दुंदुली देवी। अब दुंदुली का जो स्वभाव है बिल्कुल धुंधला है, जैसा नाम वैसे ही उसके गुण, बिल्कुल धुंधला स्वभाव है। जब तक किसी से लड़ती नहीं तब तक उसको रोटी नहीं भाती, और हर बात को विपरीत सोचना, उल्टा सोचना कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, महाराज ऊपर बैठे हैं तो हमारे पास भी तो बैठ सकते थे, ऐसा सोचने वाली, हर चीज को उल्टा सोचने वाली, उसका नाम है दुंदुली। अपने यहाँ पर तो कोई नहीं है, उससे सावधान हो जाएंगे, भाई हम आए हैं इतनी दूर से, हमको पता नहीं कौन कैसा है, पर आप लोग सभी अच्छे हो, यहाँ तो धुंधला कोई होता तो वो यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। तो दुंदुली देवी का स्वभाव बड़ा ही विचित्र, लेकिन उनसे बिल्कुल विपरीत आत्मदेव ब्राह्मण, सदाचारी, नित्य संध्या वंदन करने वाले, भगवान के भगत, नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके संध्या करते, सूर्य अर्घ्य देते और यजमानों के कार्य करने के लिए निकल जाते। समय बीतता गया, समय बीता तो मन में विचार आया, आत्मदेव ब्राह्मण सोचने लगे कि देखो मैं अब वृद्धावस्था की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, अभी तक पुत्र नहीं हुआ है, पुत्र की कामना मन में है, और आत्मदेव ब्राह्मण सोचते हैं कि पुत्र हो जाए तो मेरी गृहस्थी आगे अच्छी चलेगी, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण का वह कार्य सिद्ध नहीं हुआ। घर पर तुलसी का पौधा ला करके लगाते तो तुलसी का पौधा सूख जाता कुछ दिनों बाद, कोई गैया दान में आती तो वो गैया बांझ हो जाती, उसके भी कोई पुत्र पुत्री बछड़ा इत्यादि कुछ भी नहीं होता। आत्मदेव ब्राह्मण मन में सोचने लगे कि क्या मैं अभागा हूँ, मैं भगवान की इतनी भक्ति करता हूँ, नित्य प्रति संध्या वंदन करता हूँ, तीनों समय भगवान का स्मरण करता हूँ, फिर भी मेरे यहाँ पर संतान नहीं है। ऐसा सोचते 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 आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, और आदमी दुखी अपनी वजह से कम होता है, लोगों के ताने से ज्यादा दुखी हो जाता है। लोग कहने वाले, महाराज आप सबके तो यजमानों के अनुष्ठान करते हो, पूजा पाठ करते हो, खुद की भी कर लो, संतान नहीं हो रही है। कहने वालों को कौन मुंह पकड़ सकता है। तो जब लोगों की इस तरह की बातें सुनी तो आत्मदेव ब्राह्मण मन में बड़े दुखी हुए, और दुखी अवस्था में ही जंगल में जाकर के भगवान को याद करने लगे। हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त हूँ, आपकी नित्य प्रति भक्ति करता हूँ, आपने जो कार्य मुझे सौंपा है मैं निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे यहाँ पर संतान नहीं है। हे प्रभु, एक संतान हो जाती तो मैं पुंस नाम के नर्क से बाहर निकल जाता, पुत्र हो जाता है ना तो वो नरक से मुक्ति दिलवाता है। आत्मदेव ब्राह्मण रोते रोते भगवान को पुकारते हैं, और जब कोई रास्ता नहीं दिखा, भगवान भी जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाए, तो आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि अब इस शरीर को यही त्याग देना चाहिए, ज्यादा जी करके क्या करना है, पुत्र संतान इत्यादि होती नहीं, मैं तो अभागा हूँ, तुलसी का पौधा भी लगाता हूँ तो सूख जाता है, मेरे यहाँ पर कोई गाय भी यदि दान में आई तो वो बांझ हो जाती है, मेरे से बड़ा अभागा और कोई नहीं हो सकता इस धरती पर, मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा मन में विचार कर लिया और जंगल में ही एक शिला के ऊपर अपने सिर को पटक पटक करके रक्त लहू लुहान कर दिया। वहां से एक संत महात्मा पधार रहे थे। महात्मा जी जब आत्मदेव ब्राह्मण को सर पटकते हुए देखा तो महात्मा जी तुरंत दौड़े गए और कहने लगे कि अरे कौन हो तुम, और ये सर क्यों पटक रहे हो, शकल से तो तुम कोई ब्राह्मण लगते हो, तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं, तुम्हारे मस्तिष्क का तिलक, तुम्हारी शिखा, सबको देख करके तुम दिव्य विद्वान ब्राह्मण लगते हो, और ऐसा कार्य कर रहे हो, खुद का माथा पटक रहे हो।
क्या कारण है माथा पटकने का? आत्मदेव कहता है कि हे प्रभु, हे महात्मा जी, मैं इस संसार से दुखी हूँ, इसलिए अपने शरीर को त्यागना चाहता हूँ। महात्मा जी पूछते हैं, पहले तुम्हारा नाम बताओ ब्राह्मण। आत्मदेव कहता है कि मेरा नाम है आत्मदेव। अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हो? आत्मदेव कहता है, इस शरीर को त्यागना है, आत्महत्या करना है। अरे ब्राह्मण, नाम तो इतना श्रेष्ठ है आत्मदेव, लेकिन आत्महत्या कर रहे हो, निंदनीय कार्य है ये तो। अपना शरीर त्यागना सबसे निष्कृष्ट कार्य है, कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। और आजकल का समय ऐसा आ गया है, माँ बाप थोड़ी सी भी कोई ऊंची नीची बात कर के देते हैं तो बच्चे बच्ची तुरंत ये खा लेते हैं, कभी खा लटक जाते हैं। कोई हक ही नहीं बनता है हमको हमारा शरीर त्यागने का। सबसे बड़ा पाप कर्म इस धरती पर यदि देखा जाए तो आत्महत्या करना है। आप अपने जीवन से हार गए, मतलब जिस भगवान ने आपको शरीर दिया है, जिस भगवान ने प्राण दिए हैं, हम उस भगवान को चुनौती देकर के इस शरीर को त्याग रहे हैं। सबसे बड़ा पाप इस धरती पर है तो आत्महत्या करना। लड़ना सीखना चाहिए, चुनौतियों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। क्या हार जाना, क्या अपने शरीर को त्याग देना। आत्मदेव ब्राह्मण से महात्मा जी कहते हैं कि देखो आत्मदेव, नाम तो तुम्हारा बड़ा ही दिव्य है आत्मदेव, लेकिन आत्महत्या बड़ा ही निंदनीय कार्य है, ऐसा नहीं करना। कष्ट क्या है वो बताओ। आत्मदेव कहते हैं, महात्मा जी, मेरा सिर्फ एक ही कष्ट है, मेरे संतान नहीं हो रही है। संतान हो जाती तो मैं प्रसन्न हो जाता। अब महात्मा जी समझाते हैं कि देखो आत्मदेव, संतान नहीं है तो तुम सुखी हो, तुमसे बड़ा सुखवान और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हो जाए पुत्र कुपुत्र तो छाती पर है मूंग दलता। ब्राह्मण देवता, यदि पुत्र कुपुत्र हो गया तो, यदि वह बड़ा होकर के बिगड़ गया तो, तुमको मारने कूटने लग जाए तो, इसलिए संतान नहीं है तो तुम सुखी हो। अरे लेकिन मैं उस पुंस नाम के नरक में जाऊंगा, उस नरक से संतान ही तो निकालती है पिंडदान करके, उस नरक में फंसा रह जाऊंगा यदि संतान नहीं होगी तो। तो वो महात्मा जी कहते हैं, क्यों चिंता करते हो, जगत के जगदीश्वर ने सबको पैदा किया है तो उसी का कार्य मुक्ति दिलाने का है। आप लोग समस्त जितने भी हैं सभी का पिंडदान साक्षात जगन्नाथ भगवान करते हैं। 16 श्राद्ध के अंदर आप जाओगे ना तो वहां पर जगन्नाथ भगवान के हाथों के द्वारा प्रत्येक जीव के लिए पिंडदान होता है। तो आत्मदेव क्यों चिंता कर रहा है तू? तू सोच रहा है पुंस नाम के नरक में यदि पिंडदान नहीं मिला तो मेरी मुक्ति नहीं होगी? जगत के जगदीश्वर सबके लिए पिंडदान करते हैं तो तेरी भी मुक्ति अपने आप हो जाएगी, चिंता मत कर। अरे महात्मा जी, आप तो व्यर्थ की बातें कर रहे हो, आपको क्या पता संतान का सुख क्या होता है। जब घर में संतान होती है तो हंसी खुशी का माहौल होता है, जब छोटा सा बालक पिताजी पिताजी करके आता है तो बड़ा हर्ष महसूस होता है, और मेरे घर में जाता हूं तो घर काटने को दौड़ रहा है क्योंकि कोई संतान ही नहीं है मेरे। महात्मा जी समझाते हैं कि देखो, जिस पुत्र के लिए तुम इतना कष्ट महसूस कर रहे हो, इतनी पीड़ा तुम्हारे मन में है, इतना यदि तुम भगवान को याद करते तो कब से भगवान आ जाते पुत्र बन के। पुत्र पुत्र क्या कर रहे हो, सुनो मेरी बात। हो जाए पुत्र कुपुत्र तो छाती पर है मूंग दलता। ब्राह्मण किस सोच में है, पुत्र से नहीं है नाम चलता। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा पुत्र होगा तो तुम्हारा वंश का नाम रोशन करेगा, तुम्हारा नाम रोशन करेगा, लेकिन पुत्र से नाम रोशन नहीं होता है, नाम रोशन खुद को करना पड़ता है। देखो देखो उन महानुभावों को जिन्होंने अपना सुयश स्वयं कमाया है, देखो उन महानुभावों को जिन्होंने